बेंटन के अलग अलग सीरीज में हमें अलग अलग फीचर वाले ओमनीट्रिक्स तो देखने को मिला है। इसी के साथ हमें अल्टरनेट वेन्स के न्यू ओमनीट्रिक्स और बेंटन 1000 के हाईटेक ओमनीट्रिक्स भी देखने को मिला है। ये कुछ ऐसे ओमनीट्रिक्स है जिनके बारे में हम लोगों को अच्छे से पता है कि इनका फीचर क्या है और इन ओमनीट्रिक्स के पीछे का स्टोरी क्या है। लेकिन गाइस आज हम 10 ऐसे ओमनीट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि फैन मेड है। ऑब्वियसली इन ओमनीट्रिक्स के बारे में हमें बेंटन के किसी भी सीरीज के किसी भी एपिसोड में बताया नहीं गया है। इन फैन मेड ओमनीट्रिक्स का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बेंटन विकिपीडिया में मिल जाएगा। इनमें से हम कुछ ओमनीट्रिक्स की बैक स्टोरी भी जानेंगे, तो अब ज्यादा लेट क्यों करें, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, बेंटन फ्यूजन मैट्रिक्स। ये फैन मेड ओमनीट्रिक्स देखने में ओमनीवर्स ओमनीट्रिक्स तरह ही है, लेकिन जैसा कि इस ओमनीट्रिक्स का नाम है फ्यूजन मैट्रिक्स, ये डायरेक्टली अपने यूजर को एक फ्यूजन एलियन में ही ट्रांसफॉर्म करवाता है। क्लासिक ओमनीट्रिक्स का फेस प्लेट गायब हो जाने की वजह से जैसे हमें फ्यूजन एलियंस देखने को मिले थे, फ्यूजन मैट्रिक्स में भी ठीक वैसा ही होगा। इसका फंक्शन काफी हद तक बेंटन 1000 के बायोमेट्रिक्स जैसा ही होगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बायोमेट्रिक्स में मास्टर कंट्रोल अनलॉक है जो कि हमारे इस फ्यूजन मैट्रिक्स में नहीं है। नंबर 2, बायो अल्टीमेट्रिक्स। इस फैनमेड ओमनीट्रिक्स का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया। शायद आप भी बेंटन के सीरीज में एक बायो अल्टीमेट्रिक्स देखना चाहोगे। बायो अल्टीमेट्रिक्स का लुक हमारे बायो बेंटन 1000 के बायोमेट्रिक्स की तरह ही होगा। बायोमेट्रिक्स में हमें जैसे दो नॉर्मल एलियंस के फ्यूजन देखने को मिलता है, वैसे ही बायो अल्टीमेट्रिक्स में हमें दो अल्टीमेट एलियंस के फ्यूजन फॉर्म देखने को मिलेगा। अल्टीमेट एलियंस का फ्यूजन हमें सीरीज में कभी भी दिखाया नहीं गया है, लेकिन इमेजिन करने में ही अल्टीमेट एलियंस का फ्यूजन फॉर्म्स बहुत कूल और पावरफुल लगते हैं। नंबर 3, क्रोमोट्रिक्स। ये कमाल का ऑटोमेटेड फैनमेड ओमनीट्रिक्स है जो कि अपने यूजर को अपने फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से एलियंस प्रोवाइड करता है। एग्जांपल के लिए अगर क्रोमोट्रिक्स का यूजर अपने फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाएगा, यानी अगर वो ज्यादा मसल्स बनाएगा, एक्सरसाइज करके अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तो क्रोमोट्रिक्स उसे फोरआर्म्स या ह्यूमंगसर जैसे स्ट्रेंथी एलियन में ट्रांसफॉर्म करवाएगा। नंबर 4, कॉस्मोस मल्टीट्रिक्स या मल्टीट्रिक्स। मल्टीट्रिक्स के वर्किंग फंक्शन को समझना थोड़ा मुश्किल है। मल्टीट्रिक्स का यूजर एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कुछ एलियंस के डीएनए को एक ग्रुप में सिलेक्ट करेगा, यानी वो एट ए टाइम एटलीस्ट 8 एलियन और मैक्सिमम 18 एलियंस को सिलेक्ट करेगा। 8 से 18 के बीच में एलियंस को सिलेक्ट करने के बाद वो एक के बाद एक दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म होगा और सभी सिलेक्टेड एलियंस खत्म होने के बाद और एग्जैक्टली 30 मिनट के बाद ओमनीट्रिक्स का टाइम आउट हो जाएगा। वाकई इस फैनमेड ओमनीट्रिक्स का वर्किंग प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर 5, अल्ट्राट्रिक्स। अल्टीमेटर्स की तरह ही अल्ट्राट्रिक्स अपने यूजर को उसके सिलेक्टेड एलियन के अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करवा सकता है। इसी के साथ अल्ट्राट्रिक्स उन इवॉल्व्ड एलियंस को उनके अल्टीमेट फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म करवा सकता है। वेल, अल्ट्रा फॉर्म्स तो हमें सीरीज में दिखाया नहीं गया है, लेकिन आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि अल्ट्रा फॉर्म्स एक्चुअली कैसे दिखते होंगे। जैसे बेन के अल्टीमेट एलियन फॉर्म के मुकाबले अल्बिडो के हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट फॉर्म्स ज्यादा पावरफुल है, वैसे ही एलियंस के अल्ट्रा फॉर्म्स उनके इवॉल्व्ड फॉर्म के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है और ये फॉर्म्स हमें इस फैनमेड ओमनीट्रिक्स में देखने को मिल सकता है। नंबर 6, डार्क अल्ट्राट्रिक्स। अभी हम लोगों ने अल्ट्राट्रिक्स के बारे में जाना जो अपने यूजर को सिलेक्टेड एलियन के अल्ट्रा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करवाता है। डार्क अल्ट्राट्रिक्स हमारे अल्ट्राट्रिक्स का ही नेगेटिव वर्जन है। इस डिवाइस की मदद से हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे उन्हें अल्ट्रा डार्क फॉर्म या डार्क इवोल्यूशन कहा जाएगा। नंबर 7, एक्सोट्रिक्स। इस फैनमेड ओमनीट्रिक्स का नाम दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक वर्ड है एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल और दूसरा वर्ड है ओमनीट्रिक्स। एक्सोट्रिक्स के क्रिएशन और यूजेस को लेकर बेंटन विकिपीडिया में हमें एक स्टोरी सुनने को मिलता है। एक्सोट्रिक्स को अस्मत ने क्रिएट नहीं किया है, ये एक मशीन है जिसे बेलोर शहर के स्टूडेंट्स ने बनाया है। वो लोग इसे दूसरे प्लैनेट के जीव यानी एलियन लाइफ फॉर्म के बारे में जानने के लिए और अपने शहर को दूसरे बुरे एलियन से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। भले ही ये एक ओमनीट्रिक्स है, लेकिन इसका डिजाइन अल्टीमेटर्स के ऊपर बेस्ड है। नंबर 8, इमेजिनेट्रिक्स। आप लोगों को इस ओमनीट्रिक्स के नाम से ही पता चल चुका होगा कि ये डिवाइस अपने यूजर को उस एलियन में ट्रांसफॉर्म करवाएगा जिसे वो इमेजिन करेगा। ये आप लोगों को मास्टर कंट्रोल के फीचर जैसा ही लगेगा, लेकिन इस डिवाइस के फीचर्स भी यूजर की इमेजिनेशन के ऊपर ही चलते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम विथ ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर, यूनिवर्सल ट्रांसलेटर। नंबर 9, इन्फिनीमेट्रिक्स। इस ओमनीट्रिक्स का नाम ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसमें इन्फिनिट फीचर्स है। इसके फीचर्स कभी खत्म नहीं हो सकते है। इवोल्यूशनरी एक्सटेंशन, कलर कोडिंग, डिस्प्ले मोड, क्लॉथिंग, एलोकेशन और वॉइस कमांड से लेकर अनगिनत फीचर्स आप लोगों को इस फैनमेड ओमनीट्रिक्स में देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है इन्फिनीमेट्रिक्स। नंबर 10, की ट्रिक्स। इस फैनमेड ओमनीट्रिक्स में हमें दो पार्ट्स देखने को मिलता है। फर्स्ट पार्ट का नाम है मेटावेयर, जो कि एक लॉक जैसा दिखने वाला पार्ट है, और दूसरा पार्ट का नाम है मेटा ड्राइव,
जो कि एक की जैसा दिखने वाला पार्ट है। जब ये दोनों पार्ट्स कंबाइन हो जाते हैं तब हमारा की ट्रिक्स काम करना चालू कर देता है और की ट्रिक्स एक कम्प्लीट ओमनीट्रिक्स है। मैंने आप लोगों को इन फैनमेड ओमनीट्रिक्स के बारे में जो जानकारी दिया वो सब बेंटेन विकी में मौजूद है और ये कोई इमेजिनरी एक्सप्लेनेशन नहीं था। आज हम लोगों ने जो फैनमेड ओमनीट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया उनमें से आपका फेवरेट फैनमेड ओमनीट्रिक्स कौन सा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और ओमनीट्रिक्स से रिलेटेड आप लोग दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।